आपने भी बोला कि पहले बार की एनसीईआरटी शायद आसान रही होगी। आवाज सर आ रही है आप तक? ठीक आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल आवाज आ रही है। है सर, तो पहली बार की एनडीआरटी आपने बोला शायद आसान रही और दूसरी बार की थोड़ी टफ रही होगी, लेकिन हाँ मेरे लिए दूसरे साल ज्यादा टफ रही सर, क्योंकि पहली बार तो मैं नया नया था, तो मैं जितने भी अपने बीमा ज्यादातर तो लोग उनसे कराते हैं जिसको जानते हो, पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो पहली बार तो सब लोगों ने करा लिया, दूसरी बार मेरे पे बिल्कुल नया फील्ड था, मतलब क्योंकि मैं दूसरी बार उनके पास नहीं जा सकता था ऑलरेडी। बीमा इतना ही करना, मतलब ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि इतना ज्यादा कर दो कि वो बेचारा प्रीमियम ही ना भर सके, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो सेकेंड ईयर की एमडीआरटी सर मेरे को बहुत ही बहुत ज्यादा टफ पड़ी सर। मैं मतलब ये लगा लो कि जिस दिन मैंने करा लास्ट में, उस दिन ब्रांच में सिर्फ तीन टॉप ऑफिसर आए हुए थे, हमारे ब्रांच मैनेजर सर आए थे, एबीएम सर आए थे और मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर थे। संडे का दिन था, ठीक है सर, तो जब उन्होंने मेरे को मतलब शुभकामनाएं दी तो मैं इमोशनल हो गया था, ठीक है सर। तो सेकंड टाइम की बहुत टफ पड़ी, लेकिन जब आपके अंदर एक चीज होता है ना कि मैंने करना है, तो आप उस काम को हमेशा, ये आपकी सोच होती है कि अगर आपने सोचोगे कि मैंने करना है तो आप 100% उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ। मैं हमेशा जोशी सर से, कभी भी आपने देखा होगा कि मन में डाउट होता था, आप मेरे को ऑफिस में भी देखते होगे पूरे साल, पहले दिन से ही मतलब मैं कहता था सर मैं करूंगा, कभी भी मेरे मन में ये डाउट नहीं रहा कि मैं नहीं कर सकता। इसके लिए सर मैं डोर टू डोर गया, जैसे मैं अभी अभी भी आज आपने मेरे को बोला था, मौका दिया था, तैयारी होनी चाहिए सर। मैंने सुबह 5:30 बजे से तैयारी की है, सुबह 5:30 बजे से तैयारी की है कि मैं पिछले बार मैं बैठा था, पिछले बार भी अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर की डेथ हुई थी लास्ट ईयर, तब भी मतलब हमारे हिंदू धर्म में होता है कि हमें मतलब बाल वगैरह कटाने पड़ते हैं, इस बार भी मतलब वार्षिक श्राद्ध हुआ तो मैंने बाल कटाए हुए थे, लेकिन पिछले साल जब आपने बोलने का मौका दिया था तो तैयारी नहीं थी। इस बार आपने बोलने का मौका दिया तो मैं सुबह 5:30 बजे से तैयारी कर रहा था कि मैं कैसे आपके बाकी जो मेरे साथी सुन रहे हैं वो भी मतलब कोशिश करें कि करें। सर हम अगर कोई भी व्यापारी, मैं अपने इसको एलआईसी के काम को ना एज ए बिजनेस लेता हूँ सर, मैं एज ए बिजनेस मान के चलता हूँ। आवाज आ रही है सर आप पे? आवाज आ रही है सर? जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है, बढ़िया। मैं आप इसको कंटिन्यू एज ए करें। बिजनेस मान के चलता हूँ सर, मैं इसे बिजनेस मान के चलता हूँ। अगर एक दुकानदार हूँ, मैं रोज दुकान खोलूंगा सर, मैं रोज काम पे निकलता हूँ, रोज मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं काम पे नहीं जाता, और डेट बाई डायरी में पहले खरीद लेता हूँ, जिसमें मतलब पर डे का मैं काम लिख लेता हूँ एक दिन पहले की कल मुझे क्या करना है, और जिस दिन मैं ये नहीं लिख पाता हूँ कि मैंने क्या करना है, तो अगले दिन मैं लिखता हूँ कि कल मैंने क्या क्या किया। रोज के अपने आत्मनिरीक्षण करता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने क्या गलती की, ये मैं सोचता हूँ सर हमेशा। और दूसरी चीज है कि अभी मेरे को परसों ही मैंने, अभी कल कल दो जीवन उमंग पॉलिसी हुई है, सीखने को हमें फील्ड से ही मिलता है। तो मेरे एक क्लाइंट्स ने, मैं बार बार उसको कस्टमर बोल रहा था, उसने बोला यार मैं तुम्हारा कस्टमर नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। देखो कितना अच्छा लगता है जब सब कस्टमर ऐसा बोले कि मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे कस्टमर मत बोलो, बड़ा अच्छा लगता है। तो उसने मुझे बोली, मैंने कहा सर मैं 3 साल से उस कस्टमर को फॉलो कर रहा था, मैं मिस्टर संजय गर्ग हैं, उन्होंने अपने बेटे और बेटी का 5-5 लाख की जीवन उमंग ली मेरे से, मैं उनको 3 साल से फॉलो कर रहा था। आपकी फोटो शायद कट गई है, मेरी आ रही है सर? आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक सर, तो मैं उन्हें 3 साल से फॉलो कर रहा था, इस बार उनका खुद फोन आया। मैं कह रहा हूँ सर जब आदमी लगा होता है ना, मैं मम्मी का जो वार्षिक श्राद्ध करके आया हूँ, देखिए सर 15 दिसंबर को जो लिस्ट आई थी उसमें मुझे 1,49,000 कमीशन अर्न करना था, 15 दिसंबर को जो लिस्ट आई थी, और 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था, क्योंकि वार्षिक श्राद्ध का पूरा प्रोग्राम मैंने ही करना था सारा, मतलब रिश्तेदारों को बुलाना है, निमंत्रण देना है, कार्ड छपवाने हैं, खाना बनाने के लिए पंडितों को बोलना है, पूजा करने के लिए, पर ये सब काम मेरे को ही करना था। लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, जब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। तो सर अभी आप लोग जितने लोग भी मेरे को सुन रहे हो ना, हो सकता है 1 घंटे बाद भूल जाओ, कॉन्फिडेंस तो आपको अपने अंदर अपने यहां से निकालना पड़ेगा कि यार मैं करूंगा। बड़ा अच्छा लगता है जब आदमी को, पैसे तो हर कोई कमाता है, पैसा पैसे तो हर कोई कमाता सर, लेकिन जब पैसे के साथ साथ, जब पैसे के साथ साथ इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। मुझे पता है ना जब मैं ब्रांच में आता हूँ तो क्या प्राउड फील करता हूँ,
आज आप मेरे को बोल रहे हो, मेरे को कितना प्राउड हो रहा है कि यार मिशन सर ने मेरे को बोला है समझाने के लिए। तो एक चीज आप सब लोग ध्यान से सुनिए, रोज काम करना है, रोज काम करना है। और हमारी पहली प्रायोरिटी बीमा है, हमने सारे काम साइड में रखने हैं, सारे काम साइड में। हम एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, हम प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर प्रोफेशनल है, इंजीनियर प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल है, हम एक प्रोफेशनल है। हमें अपना काम को एज ए प्रोफेशन लेना है, किसी से शर्माना नहीं है। हमारे कई कई एजेंट शर्माते हैं कि अपने आप को बीमा एजेंट। अरे हम लोग तो बहुत भलाई का काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। भगवान ना करे किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए, उसके घर में अगर हम 5 लाख का 10 लाख का क्लेम लेके जाते हैं, आने वाला तो चले जाता है। मैं अपने कस्टमर को कैसे समझाता हूँ, आप लोग अगर डायरी पेन लेके बैठो और ब्रांच में अलग से समझना चाहो, मैं अपने कस्टमर को समझाता हूँ, कस्टमर से बहस में कभी नहीं उलझता, उसे प्यार से समझाता हूँ। उससे पहले बोल देता हूँ, सर बाकी तो काम आपके ऊपर है, आपने करवाना है नहीं करवाना है यह आपकी मर्जी, मेरे को सुन लीजिए थोड़ा सा अपने उसमें, मैं प्रोफेशन में थोड़ा सा ऐसा झूठ बोलता हूँ जिससे कि उसका नुकसान नहीं होता है। मैं जब टेलीकॉलिंग करता हूँ तो मैं क्लाइंट से बोलता हूँ, सर मेरे को 12,000 रुपए LIC से फिक्स सैलरी मिलती है, लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम 60 कस्टमरों को डेमोस्ट्रेशन दिखानी होती है, आप मेरे से बीमा मत करवाना। लेकिन हो सकता है आपको मैं समझाऊं तो वो 200 रुपए मिल जाते हैं, मेरे को मिल जाएंगे एक एक क्लाइंट को डेमोस्ट्रेशन देने का। तो कस्टमर मेरे से बोलता है कि यार ऐसे ही लिख लो मेरा नाम फोन नंबर, तो मैं उससे कहता हूँ नहीं सही, इंक्वायरी हो जाएगी, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, मेरे बिल्कुल जेन्युइन ढंग से आपके घर पे आके समझाना है। तो कहता है चलो आओ समझाओ, और ऐसे में 10 लोगों को बोलता हूँ तो 100% मेरे 2 बीमे निकलते ही निकलते हैं। ब्रांच में हमारे जोशी जी के असिस्टेंट है शिवा अनवर और राहुल, शिवा अनवर को मैं बोल के जाता हूँ, शिवा देख इसका क्लाइंट को मैं सर्विस दे रहा हूँ, इसका बीमा लेके आऊंगा, और मैं उसका 1 हफ्ते के अंदर बीमा लेके आता हूँ, शिवा को बोल के जाता हूँ। जितना सर मैं कॉन्फिडेंट था ना कि मेरा MDRT होगा, मेरे बॉस मिस्टर जोशी कॉन्फिडेंट थे और शिवा अनवर कॉन्फिडेंट थी कि भर्ती करेंगे करेंगे, भर्ती का होगा ही होगा, ये बात नहीं है, ये मेरे अंदर था। और मेरे अंदर सर कुछ चीजें तो ऐसी होती है सर, देखो हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता, हर कोई विराट कोहली नहीं बन जाता, एक जज्बा होता है सर। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली सुबह 4 बजे इतनी ठंड में, जितनी आज बारिश हो रही थी ना, वो तड़पते थे कि कब हम मैदान में पहुंचे, बारिश रुके और हम मैदान में पहुंचे। ठीक है, मैं भी मचलता हूँ यार, ये रुके तो मैं निकलूं बाहर, मैं घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, मैं अपनी वाइफ से भी बोलता हूँ घर में बैठे रहूंगा कुछ नहीं होगा, बाहर जाऊंगा तो 2 पैसे घर में बच्चों के लिए कमा के लेके आऊंगा, ये मैं सोचता था। ये MDRT की जर्नी बहुत टफ रही सर, लोग कई लोग सोचते होंगे आसान रही, लेकिन ये इतनी टफ थी सर। मैं इस जर्नी में मैं बताता हूँ, संडे का दिन था सर, बारिश का दिन था, मैं फरीदाबाद जा रहा था बीमा करने। मैंने शायद आपको तो बताया भी है, क्योंकि मैं जब भी आपसे तो अक्सर मिलकर जाता हूँ, बाकी एजेंटों को बता रहा हूँ, मैं मतलब छोटे से नाले में गिर पड़ा सर, मतलब पानी भरा हुआ था घुटनों तक, मैं बाइक पे जा रहा था, अब पता नहीं लगता है कोई पत्थर है क्या है, पानी है, बाइक चला रहा था, अचानक पत्थर आया, मेरी बाइक गिरी और मैं धड़ाम से नीचे सर, पूरे कपड़े गीले, सब कुछ गीले। फिर उस क्लाइंट के घर गया, और देखिए जब जब हमें ना सुनने को मिलती है ना, अपने दिल को मजबूत, दिल मजबूत होना चाहिए सर, बहुत मजबूत होना चाहिए हम जो भी काम करने को जाए। वहां मैं नाले में भी गिरा, उस कस्टमर के घर कपड़े भी सुखाए, मोजे निचोड़ के सुखाए, सब कुछ किया, लेकिन वो बीमा नहीं हुआ सर, बीमा नहीं हुआ। उसके घर से बड़ा मायूस होकर निकला बाहर, लेकिन फिर मैंने अपने आप को सोचा, मैं एक शेर में अपनी लाइफ में हमेशा पर्सनल लाइफ में भी कहता था, प्रोफेशनल लाइफ में भी कहता हूँ, यार तू है हर जाए तो अपना भी है और सही, तू नहीं कोई और सही, और नहीं और सही, और नहीं और सही, करते ही जाना है हमने, कोई तो बोलेगा सर, हाँ कोई तो कराएगा, किसी को तो हमारी बात समझ में आएगी। और मैं बताता हूँ सर, लक्ष्य हासिल करने के लिए सर पागल होना पड़ता है, पागल, टैलेंट होना जरूरी नहीं करता है सर, टैलेंट जरूरी नहीं है, आपके अंदर जोश कितना है, जुनून कितना है, उस चीज को पाने की पागल तुमके हद तक जाना पड़ता है सर। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि नहीं आप ये गलत कह रहे हो, मेरे अंदर एक दीवानगी थी, दीवानगी की हद तक मैंने काम किया। इवन देन देखो सर, मेरे कई अपने नाराज हो गए, मेरा जो सबसे बचपन का नियर एंड डियर दोस्त है, जिसकी वजह से मेरे होम टाउन में मेरा वजूद है, वो मेरा होम टाउन खटीमा है, वो मुझसे नाराज हो गया कि मैं तुझे फोन कर रहा हूँ उठा नहीं रहा है, संजय सिंह कन्याल नाम है उसका, मैं तुझे फोन कर रहा हूँ इसीलिए मैं तेरे से बात नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं तुम सबसे नाराज रहता हूँ, मैं 5 दिन से फोन कर रहा हूँ। फोन पे उसने वॉइस मेल पे मैसेज छोड़ के मेरे को अनसेंड बोला, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको भी मना लूंगा,
जब मेरा एमबीआरटी हुआ मैंने उसको फोन किया, उसकी बधाई का मैसेज सबसे पहले आया। आप लोग सुन रहे हो, मेरी वाइफ तक मुझसे नाराज रहती थी, और मैं आपको मजे की बात, आप हंसोगे, दूसरे साल मैंने जब एमबीआरटी किया ना, मेरी वाइफ कहती अब ये एमबीआरटी मत करना, अब अपना हमें भी टाइम देना। लेकिन सर मैं उन्हें टाइम दूंगा, मुझे पता है ना मिलियन डॉलर राउंड टेबल करते करते मैं कब मिलियन डॉलर का बन जाऊंगा, मुझे इस चीज का एहसास है। आने वाले 6 साल में मैं खुद मिलियन डॉलर का आदमी बनाऊंगा सर, इस चीज का मुझे एहसास है। मैं पिछली मीटिंग में मैंने आपके जितने भी हमारे साथी बैठे हैं मैंने बोला था पढ़ा जरूर करो। मैं सुबह उठता हूँ ना, कुछ भी मुझे पढ़ने को मिलता है मैं पढ़ता हूँ सर, चाहे अपने बेटे की किताब हो, चाहे बेटी की किताब हो, चाहे कोई पुराना अखबार हो, पढ़ता हूँ। और कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखने को मिलता है, और इसको सुन के मैं आगे बढ़ाऊं, उनके भी नाम बता देता हूँ, हो सकता है आपका कुछ फायदा हो। सोनू शर्मा जी हैं, मैंने कभी उन्हें फिजिकली देखा नहीं है, सामने फेस टू फेस नहीं देखा है, मैं उनकी मोटिवेशनल स्पीच सुनता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि आग आग भर जाती है सर। उनकी स्पीच है कि दुनिया में कामयाब वही हुआ है जिसने सूरज को जगाया है, दुनिया में कामयाब इंसान वही है जिसने सूरज को जगाया है। सूरज के जगने से पहले उठ जाओ, सूरज को जगाओ। सूरज के जगने तक तो जब लोग बाहर निकलते तुम सोच लो कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है। मैं तो इंतजार करता हूँ 9 बजने का कि यार 9 बजे तो मैं किसी के घर जाऊँ, क्योंकि डर लगती है यार सुबह किसी के 7:30 बजे घर का दरवाजा, जरूरी थोड़ा कि मैं 5 बजे उठ जाता हूँ तो दूसरे भी 5 बजे उठ जाते हैं, दूसरे की भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए। बट जी आप सुबह भी मिल सकते हैं 7:30 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं 7:30 बजे भी मिलते हैं सर। कभी कभी घबराहट होती है ना कि मतलब कौन बंदा जगह है, कौन सी जगह है। भट जी सुबह 7:30 बजे पुलिस स्टेशन खुले होते हैं, अस्पताल खुले होते हैं, नर्सिंग होम खुले होते हैं, 7:30 बजे एयरपोर्ट खुले होते हैं, ISBT खुला होता है, बहुत सारी जगहें हैं जो कि सुबह 7:30 बजे खुली होती हैं। देखिए सर मेरे को सीखने को मिल गया आज, अभी भी मैं सीख लिया सर आपसे, ये सीखने को मिला मुझे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए सर। और इतना जुनून, देखिए सर मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने मेरे को बोला कि मैंने कैसे किया है, मैं बताता हूँ। मैं जैसे ही कोई एक मैंने एक नवंबर का महीना था सर, नवंबर का मेरा 7 लाख रुपए करीब प्रीमियम कम पड़ा था, प्रीमियम 7 लाख, ठीक है। तो लास्ट ईयर मैंने हस्बैंड वाइफ का बीमा किया था, 6 लाख का वाइफ का किया था, 5 लाख का हस्बैंड का किया था। तो उन्होंने ऐसे ही मेरे से बोल दिया था बच्चों का समझाना। अब जब कोई अगर इतना बोल दे बच्चों का समझाना, तो बाकी तो फिर हमारे ऊपर है सर, हमने उसे कैसे क्लोज करना है। मैं चले गया प्लान लेके, और मन में बड़ी घबराहट थी। प्लान पूरा बनाता हूँ सर, प्रिंट आउट निकालता हूँ, हमारे एक ऐप है LIC स्मार्टली करके है सर, उसमें ना पूरा प्रिंट आउट निकल जाता है, फर्स्ट डे से ही रिस्क कवर निकल जाता है, लास्ट में कितना मिलना है सब निकल जाता है। सारे एजेंट आप लोग जितने भी साथी बैठे हो बस से कह के वो ऐप डाउनलोड कर लेना। प्रिंट आउट आजकल हर जगह 2-2 रुपए के निकल रहे हैं, 3 कॉपी भी निकलेंगी, 6 कॉपी निकल जाएंगी, वो लेके जाता हूँ कस्टमर के यहाँ। कम से कम ऐसा खर्चो सर, कमाने की चिंता करिए, खर्चने की मत। आप जितना खर्चोगे आप जितना दूसरों को दोगे ना, वो पलट के वापस आता है सर। और शुद्ध हिंदी में बोलूं तो अगर आप किसी का भला करते हो तो आपका लाभ होता है, भला का उल्टा लाभ। आप किसी का भला करते हो, हमारा तो काम ही भलाई का है, हम तो भलाई का इतना अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान ना करे अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाए तो उसके परिवार का भला, और भगवान ना करे वो लंबा बच जाए तो बुढ़ापे में उसको मिल जाएंगे उसके जोड़े हुए पैसे। और अगर आप किसी के ऊपर दया करते हो तो पलट के आपको याद करेगा। तो ये चीजें हैं सर, बाकी आज से भी मेरे को सीखने को मिला कि मैं आप सुबह जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो इसका भी करना है, मैं रुकूंगा नहीं, बल्कि मैंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि सर मैं मार्च तक MBRT करूंगा हर हालत में, मैं मतलब जो है 31 मार्च तक MBRT करूंगा ही करूंगा, ये मैंने सोच लिया सर। बाकी आप अगर कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हैं सर। एक और सर, सोनू शर्मा जी से ही सीखने को मिला था, मैंने सुना था उन्हें, और वो चीज मेरे ऊपर मैंने अपने ऊपर पूरी लागू कर ली सर। एक बहुत बड़े मुक्केबाज थे, कैसे कले पहले नाम था उनका, फिर मोहम्मद अली नाम पड़ा उनका। तो उनसे किसी ने पूछा कि यार तुम अपनी लाइफ में सिर्फ 5 वो बाउट हारे थे, 5 मुकाबले हारे थे वो, तो उनसे पूछा कि तुम कैसे मतलब जीतते हो। तो उन्होंने बोला कि जब मेरी, मैंने अभी बोला ना कि टैलेंट कुछ नहीं होता है, विल पावर होती है। तो उन्होंने बोला कि स्किल इज नॉट मैटर,
मैटर करती है केवल आपकी विल। वो कहते हैं कि जब मैं नीचे धराशायी होकर गिरता हूँ ना तो यार मोहम्मद अली से मना कर देता था तो मेरे अंदर भी यही होता था कि चंद्र टेक ट्राई और कर। तो ये जो मैंने सर मैं दिखाई दे रहा हूँ। हाँ जी आप दिखाई दे रहे हैं लेकिन बीच में हल्की सी आवाज आपकी थोड़ी सी डामाडोल सी हो रही थी। अभी आप बिल्कुल ठीक है, बढ़िया आ रहे हैं। मैं बता रहा था ना सर कि मोहम्मद अली से किसी ने पूछा कि आप इतनी बाउट कैसे जीतते हैं, मतलब इतनी फाइट जीते हैं आप, लाइफ में पांच ही फाइट आ रहे हैं। तो कहते थे कि स्किल इज नॉट मैटर। वो कहते थे कि जब मेरी सारी स्किल खत्म हो जाती है तो मेरे जो अंदर की विल पावर है ना वो जागृत होती थी, यार अली एक और करके दे। तो वही चीज सर मेरे अंदर भी यही चीज, और मैं कहता हूँ जितने भी मेरे साथी लोग सुन रहे हैं ना अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो कि यार एक बार और ट्राई करके दे। जब मैंने अपना ये आरओ का काम छोड़कर फुल टाइम में एमबीए की फुल टाइम मतलब एलआईसी के काम में आया था तो मैं घबराहट में था। मैं जोशी सर को लेके गया था सर एक जगह, ठीक है। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ, जोशी सर ने प्रेजेंटेशन दिया सब कुछ, कस्टमर ने बोल दिया लेट वी नो। लास्ट वो टाइम जब होता है ना जब कस्टमर लेट वी नो कहता है उस टाइम पे आपने पूरा अपना जोर लगा देना चाहिए 100% का। कस्टमर ने लेट वी नो कहा, जोशी सर भी जाने लगे थे, लेकिन उस समय भी मेरी इच्छा हुई। मैंने कहा सर क्या दिक्कत है? बोला यार मेरी सैलरी नहीं आई है, 15 तारीख तक सैलरी आएगी। मैंने सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं कौन सा आपसे सैलरी के पूरे पैसे मांग रहा हूँ, आप कैंसिल चेक दो और 2 महीने का प्रीमियम आपने देना है आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं, तो आपने बीमा करवाना है ना, अब मुझे करवाना है। तो उसकी वाइफ लाई अंदर से 2 महीने का प्रीमियम मिला, उसने कैंसिल चेक दिया और बीमा हो गया। तो हमेशा जब आपकी सारी क्षमताएं खत्म हो जाती है तो आपने अपनी विल पावर जगानी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, और यही चीज सर मैंने करी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई साथी पूछना चाहता हो कुछ तो मेरे से पूछ सकता है सर। सर एक बार ताली तो बजवा दो सर के लिए भाई, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया बताया भट्ट साहब ने, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत शानदार। भट्ट साहब आप LIC एजेंट बनने के पहले क्या करते थे? जो नए साथी हैं कुछ एक आज नए साथी भी हैं तो थोड़ा सा उनकी जानकारी के लिए भी बताएं कि LIC एजेंट बनने के पहले क्या करते थे। बोलिए सर। जी भट्ट साहब जी थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। भट्ट साहब आप सुन पा रहे हैं क्या? भट्ट साहब आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? भट्ट साहब आपको आवाज आ रही है क्या? मुझे लगता है शायद भट्ट साहब का कुछ कनेक्शन में कुछ तो मुझे डाउट लग रहा है, या तो उनका आवाज आ नहीं पा रहा है या तो कुछ ना कुछ तो है, क्या है पता नहीं। लेट अस होप कि थोड़ी देर के अंदर वो जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो पाए। तो सर आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भट्ट साहब जैसे कुछ एक नए लोग भी हैं तो थोड़ा सा ये भी बताएं कि LIC एजेंट बनने के पहले आप क्या करते थे। मेरा सर देखो शुरू से बता दूं सर, शुरू से ही बता दूं अपना मतलब। हाँ, क्योंकि कुछ नए लोग हैं ना तो थोड़ा सा उनका। हाँ जी देखो सर मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था पहले भी, अभी भी करता हूँ, लेकिन अब क्या होगा आने वाले टाइम में वो तो मुझे भी पता है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। हम 8 भाई बहन थे, बचपन में मैंने बसों के अंदर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बेची हुई है सर। जब मैं 11 साल का था तो बसों के अंदर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बेचता था, और वो 8 की 8 कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के नाम मुझे अभी भी याद है, और आवाज लगा के बोलता था
वो 8 की 8 बोतलें अभी भी याद है मुझे, और मैं खुल के बताता हूँ सर, अपने बारे में बताना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए। वो बोतलें होती थी, ऐसे आवाज लगाते थे हम, ठंडे ठंडे पिए बर्फ के लगे, ये पिए लिम्का थम्स अप गोल्ड स्पॉट सुपर टिंगलर 77 टेम्पा कोला टेम्पा ऑरेंज, इस तरीके से सर अर्निंग करके अपनी पढ़ाई लिखाई का इसी तरह से किया। फिर जब मैं 8वीं क्लास में था, 13 साल का, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, ठीक है सर। उसके बाद मैं 2 साल मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रहा, उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। मैंने अपनी 11th 12th और ग्रेजुएशन दिल्ली से ही कम्प्लीट की, ट्यूशन पढ़ा के कम्प्लीट की। ग्रेजुएशन कम्प्लीट करते ही मैं यूरेका फोर्ब्स कंपनी में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव लगा, सीधे अनकंफर्म सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लगा। उस कंपनी के टारगेट होते थे 6 महीने में टारगेट पूरे करोगे आप कंफर्म सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनोगे, फिर सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऐसे प्रमोशन होते होते मैं उस कंपनी में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर तक गया सर, ठीक है। लेकिन बताऊं सर, नौकरी मैंने वो नौकरी भी क्यों छोड़ी, मुझे ये अच्छी तरह एहसास हो गया था कि हमारी सेल्स की जॉब जो होती है, अब तो हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, अब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी लोग जॉब करते हैं और खासकर मार्केटिंग की जॉब, उनकी लाइफ सर रेस की घोड़ी की तरह होती है। जिस दिन वो दौड़ना बंद कर देते हैं ना, उसी दिन गोली मार दी जाती है उसे, क्योंकि वो जीतना बंद कर देते हैं अपने मालिक के लिए। तो मैंने यही सोच के वो जॉब छोड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं परफॉर्म करना बंद करता हूँ तो ट्रांसफर का वो आ जाता है, जब मैं परफॉर्म करना बंद करता हूँ, मेरी ब्रांच मैनेजर की प्रमोशन थी, मेरे को बोला जी गुड़गांव जाना है तो आप जाओ, बाकी बातें आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले आपने पूछा क्या करते थे, इससे पहले मैं ये करता था, और फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया आरओ का। एक चीज बताऊं सर, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई हो या ना हो, लेकिन उसकी जिद और ईमानदारी, आदमी की जिद होती है ना कि मैंने करना है। मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता था, मेरे बॉस भी दोस्ती सर ने भी एक दिन बोला भट्टी यार तुम मार्केटिंग की, शुरू शुरू में बोला था, लेकिन मेरी जिद थी कि मैंने करना ही करना है। आदमी की जिद आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है सर, आप ये लोग आप लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। हो सकता है जितने साथी लोग सुन रहे हैं ना, हो सकता है ये आज मन में जिद बैठा लें और नेक्स्ट ईयर इनमें से 2-4 MBRT सामने है। मेरे अंदर जिद थी कि मैंने बनना ही बनना है, करना ही करना है सर। तो इससे पहले मेरा आरओ का बिजनेस था, आरओ के बिजनेस में भी अच्छी खासी इनकम थी सर, बहुत बढ़िया इनकम थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे पार्टनर है वो लगता है कि ये तो कुछ करते नहीं, तो मेरी जिद थी कि मैं इनको कुछ, मैंने सारा काम ऐसे ही छोड़ा और जीरो से आया था सर, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं था, जीरो से आया था। और 2 साल के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज ब्रांच में देखिए आप सब लोग सुन रहे हो, MBRT तो 11 लोगों ने किया, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि सर आप भी, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को कई लोगों ने बोला है कि इवन देन वो जो 80 साल के हमारे एडवाइजर है जोशी जी की टीम में, पीपी सिंह जी है शायद 80 साल के, उनका मेरे पास फोन आया स्पेशली ब्रांच से, कहते भट MBRT तो इतने लोगों ने किया लेकिन हीरो तुम है ब्रांच का। कितनी खुशी होती है सर ये सुन के, खुशी मिलती है ना। तो आप लोग अपने अंदर जिद बैठा हो, देखो जितने लोग भी मेरे को सुन रहे हो ना, मैं चाहता हूँ कि इनमें से कम नहीं तो 4 या 5 लोग तो MBRT बने, तभी इस चीज का बोलने का फायदा है। एक टीचर पढ़ाता है सर, देखो 60 बच्चों को पढ़ाता है टीचर, 40 बच्चों को पढ़ाता है, 30 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उन्हीं 30 में से एक या दो तो IAS या इंजीनियर या डॉक्टर बनते ही है। आप जितने लोग सुन रहे हो उनमें से कम एक या दो तीन तो, मैंने बहुत अच्छी बात बोली है कि आदमी की जिद और ईमानदारी। और देखिए जिस कंपनी में मैं था यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड में, उस कंपनी में हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, आप लोग बहुत काम की बात बोल रहा हूँ ये लिख लेना, सेल प्रोडक्ट, सेल कंपनी, सेल योर सेल्फ। सबसे पहले प्रोडक्ट बेचो, ठीक है हम बीमा बेच रहे हैं, उसके बाद कंपनी बेचो, कंपनी इतनी बढ़िया है आपके पास, दुनिया में नंबर वन कंपनी आपके पास है भारतीय जीवन बीमा निगम, सर गलत तो नहीं बोल रहा ना। उसके बाद अपने आप को बेचो, मैं बताऊं मैं आपके सामने जैसे बैठा हूं, मैं जब इस तरीके से कस्टमर के पास बीमा करने जाता हूं ना, 50% तो कस्टमर सर ऐसे ही डाउन हो जाता है, सही बताऊं 50% तो जो मेरा मेरे को डेमोस्ट्रेशन के लिए बुलाता है ना, वो ऐसे ही डाउन हो जाता है, कोई आदमी आया है। फिर उसके बाद मेरी बातें, और जैसे मैं आज आपके सामने बैठा हूँ तैयारी करके, मैंने बोला मैं 5:30 बजे से तैयारी कर रहा था कि मैंने कैसे बोलना है क्या बोलना है। फिर ये नेहा 12th सी कुछ आ रहा है बेटा, कहीं मैं दिखाई ना दे रहा हूँ, गरिमा नहीं सर दिख रहे हैं आप, दिख रहा हूँ नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। आप व्हाट्सएप चालू रखिए, व्हाट्सएप आप चालू रखिए। जैसे मैं सर आज आपके लिए तैयारी करके बैठा हूँ ना,
मैं जब जी क्लाइंट कस्टमर जब मेरे को बुलाता है कि जी संडे को आना है, सैटरडे को आना है, जो दोषी जी के असिस्टेंट है सीबा अनवर जी, उनको इतना विश्वास होता है भट्टी मंडे को पक्का बीमा लेके आएंगे, और आपसे भी मैं फ्राइडे की शाम को जरूर मिलकर जाता हूँ, ध्यान होगा सिर्फ आप लोगों का। आप देखिए गुरुओं का चेहरा ही इतना होता है ना, आपने कभी आप लोग अपने बचपन को याद करिए, जब आप एग्जाम देते थे और एग्जाम सेंटर पर अचानक आपके अपने क्लास टीचर या आपको उस सब्जेक्ट का टीचर आ जाता था तो आपका कितना हौसला बढ़ता था। ऑफिस आया करिए और कुछ भी काम ना हो तब भी, अभी कल मुझे कुछ काम नहीं था, मैं सर कल आपसे शायद नहीं मिल पाया, कल कुछ काम नहीं था, सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑफिस आया, बैग भी अपने गाड़ी पे रखा मैंने, और पैसे कमाने की चिंता करिए, खर्चने की चिंता मत करिए। देखिए दिसंबर में मेरे को 6 लाख रुपए का प्रीमियम करना था, दिसंबर में, नवंबर में 7 लाख था, नवंबर में काम करूंगा, 1 दिसंबर को 6 लाख का प्रीमियम था, मैंने उसी दिन कसम खाई बाइक पे हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को जिद थी, टेंशन थी और अंदर से डर था, कहीं इस टेंशन में मनी मैंने ये सोचता था और लोगों को हंसाता था यार बीमा एजेंट का बीमा ना हो जाए कहीं, तो मैंने बाइक पे हाथ नहीं लगाया। 1 दिसंबर से मैं 4 व्हीलर पे चल रहा हूँ और पीछे बैठ के अपना काम करता हूँ, आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, पीछे बैठ के मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ, फोन करता हूँ, सब डायरी मेंटेन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। डायरी मेंटेन जरूर करिए, अगर डायरी मेंटेन नहीं करिए आज ही दुकान पे जाइए, 130 रुपए की डायरी मिलती है, डेट बाई डायरी, बढ़िया डायरी आपको 130 रुपए की और संडे फुल पेज वाली 160 रुपए की मिल जाएगी, वो डायरी लीजिए और सबसे पहले उस डायरी में लिखिए कि हमने आज 10 बजे से 11 बजे तक ये मीटिंग अटेंड करी, लिखना शुरू कीजिए। और मैंने बताया ना हर कामयाब इंसान के आगे जरूरी है सर उसकी जिद और उसकी ईमानदारी। देखो सर MDRT हो गया लेकिन मैं बैठा नहीं, MDRT होने के बाद भी मेरा 1 लाख प्रीमियम जमा हो चुका है सर, 2-5 लाख की जीवन उमंग और एक मेरी छोटी सी 2 लाख की। मैं बिल्कुल सर क्रिकेट मैच का बचपन से शौकीन था, मैं पूरा अपना MDRT ना क्रिकेट मैच की तरह खेलता हूँ, जिस दिन मेरा 10 लाख का जीवन उमंग निकलता है उस दिन मैं सोचता हूँ यार ऐसी 20 बॉलें तो और चाहिए बस, समझ गए ना, सिर्फ ऐसे ही 20 लोग तो और चाहिए, 16 लाख प्रीमियम आ जाएगा जब 16 लाख बचा रहता है, ठीक है इस हिसाब से खेलता हूँ। जैसे ही मेरा 2 लाख का बीमा होता है मैं कहता हूँ यार सिंगल लेना भी जरूरी है, मैच जीतने के लिए सिंगल लेना भी जरूरी है, छोटे भी नहीं छोड़ने बड़े भी नहीं छोड़ने। और मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे हिंदुस्तान में 2% लोगों का भी बीमा नहीं है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। और आप कुछ पूछना चाहते हैं, पिछले साल आपके काफी साथियों ने काफी एडवाइजरों ने रिबेट के ऊपर बात करी थी, अगर कोई करना चाहता है तो मेरे पास बहुत बढ़िया जवाब है सर रिबेट के ऊपर, कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है सर बहुत अच्छे अच्छे जवाब है मेरे पास। भाई यदि कोई पूछना चाहते हैं सवाल भट्ट साहब से, कोई साथी पूछना चाहते हैं क्या? मुझे लगता है शायद अच्छा हाँ दिनेश जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर आई वांट टू आस्क भट्ट साहब, गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स फॉर कमिंग इन दिस मीटिंग, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी आपने हमें एक बार एड्रेस किया है बट हमारे अंदर इतना आलस भरा हुआ है हम कुछ तो भी नहीं सीख पाए, लेकिन आज आपकी बातों से थोड़ा सा हमें अच्छा लगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो हम जैसे कोई जॉब कर रहा है उसके लिए MDRT करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे अब हम एक रेगुलर जॉब में काम कर रहे हैं उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा होता है बट हम अपने LIC में ज़्यादा समय नहीं दे पाते, तो उससे बाहर कैसे आया जाए? आपने पूछ लिया, अभी कुछ और पूछना है फिर मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर देखो पिछली मीटिंग में भी मैंने बोला था कि भगवान ने हमें एक मुंह और 2 कान इसलिए दिए हैं कि हम बोले कम और सुने ज्यादा, हालांकि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने का काम दिया। आपने कुछ भी पूछना पूछ ले फिर बोलना, मैं शुरू करूंगा तो आप सुनिएगा ध्यान से, कुछ और भी पूछना है तो पूछिए। बस सर यही सवाल है। आप कहाँ जॉब करते हैं सर? सर मैं कैरेट लेन कंपनी है उसमें जॉब करता हूँ। मुझे पूछना नहीं चाहिए वैसे, अकॉर्डिंग लगभग आपको सैलरी कितनी मिल जाती होगी? ऑलमोस्ट सर अबाउट 70,000 के आसपास। 70,000? देखिए सर मैंने पहले बोला था, पहले थोड़ी देर आपने सुना कि हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता, हर कोई विराट कोहली नहीं बनता, हर कोई किशन चंद्र नहीं बनता। सॉरी भट्ट साहब सॉरी मैं बीच में आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ कि वो जो 40 मिनट बाद जूम की मीटिंग अपने आप कट जाती है ना,
तो ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, तो साथी जो भी यहाँ से ऑटोमेटिकली कट हो जाए तो दोबारा इसी लिंक से फिर से ज्वाइन कर लें कंटिन्यू करने के लिए। मेरी बेटी कर लेगी ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑटोमेटिक कट होएगा अभी कुछ एक मिनट के बाद, दोबारा से ज्वाइन कर लें। उनको जवाब दे देता हूँ सर, उन्होंने कुछ पूछा था। जी जी हाँ, आप कंटिन्यू करिए कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। तो आपने पूछा सर, देखो आपकी 70,000 सैलरी है और मैं अपने ऑफिस में, आपने शायद नहीं सुना, मैं सबको बता चुका हूँ सर, मैं 96 लाख का लॉस सोच के जिस जॉब में प्रोफेशन में था मैं, मैंने वो छोड़ा। ऑन एन एवरेज 80,000 रुपीज में घर पे लेके आता था, सारा खर्चा निकाल के उसमें सब कुछ, मतलब खाना पीना पूरा दिन का, लंच रात का वो भी। तो मेरे को ये लगा कि मेरे पार्टनर जो है ना, शायद वो मेरी कदर कम कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ। आदमी देखो, कभी भी पार्टनरशिप होती है ना, या कोई भी हस्बैंड वाइफ के बीच, पैसे की वजह से नहीं, ईगो प्रॉब्लम की वजह से वो रिलेशन खराब होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे पार्टनर मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट सबसे अच्छी होती है। तो मैंने सोचा कि 80,000 कमाता हूँ मैं महीने के, तो एक साल में मैं 9,60,000 और 10 साल में 96 लाख। मैंने कहा इस 96 लाख के चक्कर में मैं अगर रुका रहा तो 10 साल हो जाए। मैं बताऊ, लास्ट के 20 दिन जो है मेरे हुए ना, 20 तारीख के बाद पे हर दिन बीमा आया मेरा, हर दिन बीमा आया। कोई दिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने बुला बुला के करवाया कि हमारा कर दो, मेरा बेटा आ गया उसका बीमा कर दो। कभी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। और आप लोगों को बताओ, अगर आप खुद से नहीं हारे, सबसे बड़ी चीज मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग चाहे कितना ही सुन लो कुछ नहीं होता है, आपको अपने दिल से जुनून पैदा करना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं हारे, आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं खुद से नहीं हारा था सर, मैं खुद से नहीं हारा। इवन मेरे बॉस तक कभी कभी शक करते थे, यार कैसे करेंगे, पूछते थे भर्ती कैसे होगा। मैं कहता था सर हो जाएगा। अगर आप खुद से नहीं हारे तो आपको कोई नहीं हरा सकता सर, ये निश्चित है सर। और सर, और कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं सर। सॉरी उनका मैं आपका जवाब नहीं दे पाया, बाकी मैंने आपको मैसेज दे दिया। ये आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा रिस्क ले सकते हो लाइफ में सर। साहब मैं आपके जो आपके अंदर जुनून है और आपकी बातें हैं, मेरे को उससे बहुत अच्छा आंसर और लेसन मिला है, ठीक है, जो मैं कोशिश करूंगा अपने अंदर लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक ठीक सर, ओके सर। बाकी सर एक चीज आप सुन रहे हैं, एक चीज और बोलना चाहता हूँ सर, मेरी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए जी आप कर सकते हो सर, आप कर सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मेरे बॉस ने मुझसे बोला था, जोशी जी ने, कि भरजी यू कैन डू, और उनकी यू कैन डू को मैंने अपनी आई कैन डू बना लिया। तो यू कैन डू अगर कोई कहता है वो बहुत बड़ी बात है। मेरी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे आए हैं और मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। एक तो मेरे बिल्कुल पड़ोसी हैं, मिस्टर हरदीप भंडारी एंड मिसेज लक्ष्मी भंडारी। उन्होंने मुझसे बोला कि यार तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम कर सकते हो। और मेरा एक बचपन का दोस्त, मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो जरूर देखना, एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, 2.5 मिनट की वीडियो है, वो वीडियो जरूर देखना। मेरे बचपन का दोस्त, हम लोग अपने होम टाउन साथ साथ जा रहे थे, उसने मुझसे बोला, यार मेरा बचपन का निकनेम केसी है, किशन चंद्र भट्ट केसी बोलते। उसने बोला केसी तू बना ही इस काम के लिए, ये चीजें इतना जोश भर देती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपका बहुत चाहने वाला भी होगा, वो अनजाने में आपसे ऐसा बोल देगा, आपको डिमोरलाइज करेगा। जैसे मेरे सामने एक दो मेरे चाहने वाले हैं, उनके नाम लूंगा तो शायद वो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपना काम छोड़ के, यार चलते काम पे कोई लात मारता है, ऐसा करता है वैसा करता है। लेकिन ये तो मेरे अंदर था ना कि मैंने क्यों लात मारी है, मैं सोच के निकला था, मेरे अंदर एक आग थी। जिस दिन से मैंने आरोप का काम छोड़ा था ना, उसी दिन से एक आग भरी हुई थी और अभी भी मेरे अंदर आग भरी रहती है। ये आग आपको अपने अंदर भरनी पड़ेगी, जीत की आग तो आपको अंदर भरनी पड़ेगी। तो एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको सर, 2.5 मिनट की वीडियो है, वो वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो से मुझे बहुत हौसला बढ़ा है। मैं अपने बेटे से बोलूंगा, बेटा दिखाना वीडियो जरा। गरिमा आप आ जाते, इसको मिल नहीं रही है।
आ गई सर, फोन कर। सर आपको दिख रही है? सर दिखाई दे रही है, आवाज नहीं आ रही। आवाज में मिसिंग है कहीं, मुझे लगता है कि शायद आवाज में कहीं मिस हो रहा है। आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, आप अपने कंप्यूटर में से ना वॉल्यूम बढ़ाइए। गरिमा बेटा आप आ जाते जरा देर। सर बहुत अच्छी वीडियो है, 2.5 मिनट की, इसको जरूर देखिएगा। याद के कम से कम 8-10 एजेंट MDRT नहीं तो हाफ सेंचुरियन सेंचुरियन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो का टाइटल बताइए, क्या टाइटल है, नाम क्या है इसका? टाइटल बता दे बॉस को। नाम नहीं मालूम। मैं अपने व्हाट्सएप से आपको सेंड कर दूं मोबाइल से? नहीं नहीं, वो लंबा तरीका है, वैसे ही बता दीजिए, नाम बता दीजिए। आप दोबारा से प्ले कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप नाम बता दीजिए, क्या है इसका वीडियो का? हाँ हाँ, दोबारा से प्ले कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। आवाज आ रही है सर? नहीं आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन में दिख रहा है? स्क्रीन में दिख रहा है। रिफ्लेक्स नेहा, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज अब शुरू से कर देता हूँ। हाँ ठीक है। बेस्ट ऑफ लक स्नेहा, सपना तो सपना तो सपना होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है, मम्मी मेरी कहती है। सपने देखो, खुल के देखो, सपने पर तुम अपने देखो, मम्मी मेरी कहती है। करण आपकी बारी। Come on, करण, all the best. बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है बताइए। सर भरोसा करना। मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है। सर कैसी वीडियो थी सर? इस वीडियो से मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भट्ट जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और मैं बताऊं सर, आज आपने मेरे को यहाँ बुलाया, जब भी आप उससे कहते थे ना, जब आप अपने उनसे, तो वो आप मेरा भरोसा होते थे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर? आप उस टाइम पे मेरा भरोसा। हमें अब भी आपके ऊपर भरोसा है, आप COT कर सकते हैं। हमें अब भी आपके ऊपर भरोसा है। थैंक यू सर, थैंक यू। इस साल COT कर सकते हैं, हमें भरोसा है आपके ऊपर। जब भी जो हमें यहाँ के बाकी साथियों पर भी जो भरोसा है, जो अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उन सबके ऊपर भी भरोसा है कि जिनका MDRT आज तक नहीं हुआ है उनका MDRT इस साल हो सकता है, और जो हमारे साथी जिनका MDRT हो चुका है उनका COT डेफिनेटली इस साल होने ही वाला है, पक्का। सर लास्ट धर्मेंद्र जी ने ली थी क्या मीटिंग, जो इस बार आपके MDRT है? अब वो तो धर्मेंद्र जी बताएंगे।
अभी है वो प्रेजेंट? धर्मेंद्र जी तो मीटिंग में तो बिल्कुल थे, बिल्कुल मीटिंग में अवेलेबल थे। है सर, है। नमस्कार नमस्कार भट्टी, नमस्कार। मैं था लास्ट ईयर आपकी मीटिंग में था। मैं कैसे, लास्ट ईयर थे सर आप? हाँ मैं मीटिंग में था आपका। अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई, कम से कम आप इस बार, मेरी इच्छा है कि कम से कम पांच कम से कम दिखने चाहिए सर, पांच। बस बस आपका आशीर्वाद रहेगा और मैं भी कोशिश करूंगा अपने टीम के साथ मिलकर काम करने का, एटलीस्ट आपके विश्वास पे खरा उतरी 100%। अभी बहुत सारे साथी है ना, बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनको हो सकता है मेरी एक बात गलत लगे, मैं लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ ना वो दिल से बोलता हूँ। अगर किसी को LIC के काम में मजा ना आ रहा हो ना, या तो वो मजा लेना शुरू कर दे, उसमें इंजॉय करना शुरू कर दे, या फिर लैप कर जाए सर, क्योंकि हम जो भी काम करें वो जिस जो काम हमें अच्छा लगता हो ना वो काम करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप खुद से निहारे ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। और वो मैं उस समय आपको, मैं उस समय बोल रहा था, ये मेरी बेटी ने लिखा हुआ सामने लिखा, स्किल आर नॉट इम्पोर्टेंट, विल आर इम्पोर्टेंट। हमारी कोई क्षमता है, जब मेरे सारी सेल्स की वो फेल हो जाती है ना, तो मैं कस्टमर, मैंने जो ये लास्ट में बता रहा था वो बार बार टूट जा रहा है, हस्बैंड वाइफ का बीमा उठाया था, बच्चों के लिए बुलाया था, उसने उससे लेट मी नो कह दिया, उसने कहा ठीक है मैं बताऊंगा। और वो मेरा क्रूशियल टाइम था, मैं उस समय लिटरली बता रहा हूँ, मैं पूरी एक्टिंग करके बताऊंगा, मैंने उससे कस्टमर से कैसे कहा, मैंने कहा सर अगर आज आप मना कर दोगे ना तो मैं टूट जाऊंगा सर, ऐसे ही बोला मैंने, सर अगर आज आपने मना कर दिया, और यकीन करोगे कस्टमर ने मुझसे बोला आप 5 मिनट बैठो, वो पूछा करके आया, चेकबुक मेरे आगे रख दी, बोला लो भर लो। और मैं घर आया, घर आके अब जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, घर आया मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी के फोटो पे हाथ जोड़े और मेरे खुद आंसू आ गए कि मैं जीत के आया था वो जीत। मेरी वाइफ बोलती तुम रो क्यों रहे हो, मैंने कहा ये खुशी के जीत के आंसू है, मैं जब भी बीमा करने निकलता हूँ ना मैं सोच के चलता हूँ कि मुझे जीत के आना है, बाकी देखो हार जीत तो लगी, मैं अगर MBRT नहीं कर पाता तब भी मुझे दुख नहीं होता, मैं लड़के हारता। एक बार बताऊं, वो हार भी जीत से कम नहीं होती जो लड़के हारी जाए, वो हार भी जीत से कम नहीं होती जो लड़के हारी जाए, ठीक है ना। तो जितने लोगों के मदर फादर है काम पे निकले, उनके पैर छू के निकले, अगर जिनके नहीं है वो जाने से पहले फोटो पे हाथ पैर जोड़ के निकले। मैं स्टेटस में भी लगाया था कि मैं अपने पेरेंट्स की वैसे नहीं कर पाया करके। तो सर और कुछ किसी ने कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं सर, बाकी जो मुझे बोलना होगा जो समझ में आएगा मैं बोलूंगा सर, ठीक है। धर्मेंद्र जी थैंक यू, इस बार भी करेंगे दोनों जने, एकदम साथ साथ करेंगे सर, एकदम पूरा एकदम मार्च में, आपने भी टारगेट लिया हुआ है मैंने भी लिया हुआ है, एकदम मार्च में करने से हम दोनों को एक और फायदा होगा, शायद आपने गौर नहीं किया हुआ, हमें गैलेक्सी क्लब के लिए एंट्री मिल जाएगी। नहीं मुझे ध्यान है सर, मेरा पूरा यस यस सर, आप तो आप कर जाओगे, आप काफी आगे, लेकिन मुझे करना है, लेकिन टारगेट है दिमाग में। एक गलत है, मैं आगे नहीं हूँ, मैं आपने भी एक पॉलिसी की है, मैंने भी एक पॉलिसी की है, बस हम दोनों एक ही जगह पे हर किस भाई, आपका थोड़ा अमाउंट ज्यादा है, मेरा अमाउंट थोड़ा कम है, मैं भी साझेदार ही किया हूँ सर, फोटो भी दिखानी है। बढ़िया, गैलेक्सी क्लब अभी है अपने पास ओपन जनवरी फरवरी मार्च के लिए, और अर्ली MDRT के लिए स्पेशल कंपटीशन आया हुआ है, यदि आप अर्ली MDRT करते हैं तो आपको स्पेशल उसके लिए एक्स्ट्रा प्राइस भी है अवेलेबल। तो आप MDRT आप गैलेक्सी क्लब के लिए ट्राई करेंगे, डेफिनेटली MDRT में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, मार्च तक आपका अर्ली MDRT भी हो जाएगा, तो आपके लिए उसके लिए स्पेशल प्राइस LIC की तरफ से आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया भट्ट साहब, बहुत बढ़िया लगा, शानदार लगा, आपने इतने शानदार तरीके से बताया यहाँ पर जी। मैं कुछ अच्छी अच्छी हमें इमेज देखने को मिल जाती है, कुछ एक इमेज मैंने एक दिन देखी, उसमें लिखा था इट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन, उसको देख के भी मैं बहुत मोटिवेट हुआ, वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, और मैं जोशी जी को दिखाता था, जोशी जी सर हमारे थोड़े ऊपर रहते थे, हालांकि वो कहते थे भट्टी 200% करेंगे, और जब भी मेरा काम भट्टी कैसे होगा तो मैं उनको वो इमेज दिखाता था, उन्होंने कहा मुझे भेज दो, मेरा बेटा एक इमेज आपको दिखाएगा अभी, तो देखिए सर, सर आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑफ है, इट इज गोइंग टू हैपन, वीडियो ऑन कर दो,
ये है सर, दिखाई दे रही है ये? हेलो, हाँ दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिख रही है सर। कितना अच्छा दिखा, इससे मैं खुद मोटिवेट होता था। मैं अपने आप से चैलेंज लेता हूँ सर। जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं ना, इन सबको अपने आप से चैलेंज ले रहा हूँ। इन्हें कहेंगे, इनको खुद बोलना पड़ेगा कि यस आई कैन डू। मैं बोलूंगा कि यू कैन डू, मैं तो इनको मोटिवेट करने के लिए बोलूंगा, लेकिन इन्हें अपने दिल से बोलना पड़ेगा कि यस आई कैन डू और इट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन, क्योंकि इसको मैं करने जा रहा हूँ और ये होके रहेगा। बिल्कुल ठीक सर, बढ़िया, हम करेंगे तभी होगा। जी सर, जी बढ़िया, बहुत बढ़िया भट्ट साहब, आपने बहुत शानदार बातें बताई, बहुत बढ़िया। आपने पूरा दिल खोल के रख दिया, एक एक बारीकी से आपने बताया किस तरीके से आपने एमडीआई क्वालिफाई किया और भगवान कथियों का हो इस साल 2022 में, और बल्कि 2022 क्या मार्च तक एमडीआरटी क्वालिफाई करें आप भी और धर्मेंद्र जी, ऑलरेडी जो क्वालिफायर है एमडीआरटी, तो मार्च तक दोबारा से करें, गैलेक्सी क्लब करें और बाकी के साथ ही कम से कम एमडीआरटी का बहुत टाइम है सर का, नेटवर्क वीक हो गया होगा इसलिए। अच्छा हां सर, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आपने लास्ट ईयर मीटिंग अटेंड की थी, आप एमडीआरटी। देखो सर, अभी लोग सुन लो तो इनको और हम उतनी मेहनत करते करते कब हम मिलियन डॉलर वाले बन जाएंगे।